साहब ने भी कुछ किया ऐसा क्या? तो चोर की दाढ़ी का तिनका यही होता है, और देशभक्ति का ऐसा जो खुमार चढ़ा हुआ है कि वो नेशनल एंथम पे सबको खड़े होना है। हम तो पहले से खड़े होते थे, हम में से मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है यहाँ पे जो नेशनल एंथम पे खड़ा नहीं होता था। स्कूल से ही आदत थी, यूनिवर्सिटी में भी, स्टेडियम से भी, जहाँ पे भी, सिनेमा हॉल में, जहाँ पे नेशनल एंथम बजता अपने आप ही खड़े होते थे। लेकिन ये जो जबरदस्ती का डंडा जला के जो तुम खड़े हो नहीं तो मारेंगे, इससे नेशनल एंथम की बड़ी बेइज्जती हुई। हमारा नेशनल एंथम इतना प्यारा है, इतना अच्छा गाना लगता है, रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। लेकिन लोगों की हालत क्या हुई, मैं एक फिल्म देखने गया दंगल करके, उस फिल्म में शुरू में नेशनल एंथम बजा, सब लोग खड़े हो गए, वो फिल्म के बाद में भी बज गया, मतलब फिल्म के अंदर भी, क्योंकि इंडिया उसको मेडल जीतती है। अब लोग कंफ्यूज हो गए कि इसमें भी खड़े होना है या नहीं होना है, कोई आधा खड़ा हो रहा है, कोई कोना खड़ा हो रहा है, कोई सीट के नीचे घुस रहा है। ये हालत कर दी उन्होंने। और एक अंकल ने तो मतलब हमें इंडियंस की खास बात है, बेवकूफी हमको दो तो उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। तो जब नेशनल एंथम बजा, एक अंकल खड़े होकर यूं करने लगे, तो बहुत डर गए कि ये भी करना था क्या, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है। मैंने पीछे से अंकल की जेब में से बटुआ निकाल लिया। बाद में वो हाफ टाइम में कहते हैं कि भाई वो पॉपकॉर्न लाने वाले, मेरा तो पर्स खो गया। मैंने कहा अंकल पर्स ये लो अपना, लेकिन देशभक्ति ना दिमाग से करो, नहीं तो जेब कट जाती है। अब अंकल को बताएं समझ में आया या नहीं आया। लेकिन पिछले दिनों बहुत अच्छी बात हुई, जब कभी कभी बचपन में हम अपने बाप से कुछ मांगते थे, वो कह रहा था बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो तुम्हें बाइक दिलाएंगे। और जब वो मार्क्स अच्छे आ गए और आपने बोला कि पापा बाइक, तो पापा कहता बाइक तो नहीं है ये ले ले। पिछले दिनों पूरे इंडिया को स्टैचू ऑफ यूनिटी मिल गया, और वो भी स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो भी गुजरात में। अब क्या देखना बाकी है, स्टैचू ऑफ फेमिनिज्म इन हरियाणा। नहीं, मैं अपने कॉलेज में एक दो दफा फेल हो गया था, और मेरे बाप का बड़ा टेरर था, मैं वेस्टर्न यूपी का जाट हूं, तो वहां पे हमारे इमोशनल कनेक्शन जो है मारकुटाई से होता है कि बाप को प्यार आया दो थप्पड़ धर दिए। तो बेसिकली वी आर ब्रॉट अप लाइक कश्मीरीज, प्यार तो करते हैं और अच्छा चाहते हैं इसीलिए मारते हैं। तो जब मैं फेल हो गया तो मैंने अपने बाप को नहीं बताया डर के मारे कि मैं फेल हो गया, क्योंकि मुझे पता था पिटाई होगी। तो लेकिन उनको कहीं से पता चल गया, उन्होंने कहा मार्कशीट लाके दिखा। अब मैं डर गया, मैंने कहा शाम को लेके आता हूं। तो मैं शाहदरा में गया, वहां पर मेरे कुछ चोर चक्के दोस्त थे, उन्होंने एक नकली मार्कशीट बना के दी मेरे को, वो जो इतनी ऑथेंटिक थी। मैंने अपने फादर को दिखाया, वो मान गए कि वाह तू पास है। और मुझे कितने सालों से लग रहा है कि मैं पीएमओ को ट्वीट कर दूं कि मेरे से बनवा लो यार। अब जाके दिखाइए, वो भी गलत सलत। मैं अच्छी बनवा के देता, कोई शक नहीं कर सकता था। अरविंद केजरीवाल भी नहीं करता, वो तो पैसे इस पर भी नहीं करेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि ऐसी तैसी डेमोक्रेसी हम नहीं कर रहे हैं, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी कोई और कर रहा है, हम तो खाली डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं। और ये जो बोलते फिर रहे हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को गोली मारने के लिए चाहिए गन। गन कहाँ से खरीदते हैं, गन का लाइसेंस कौन दे रहा है ये पता लगाओ, क्योंकि हमारे यहाँ लाइसेंस बनने में ही इतने सारे कागज दिखाने पड़ते हैं, इतनी रिश्वत देनी पड़ती है। ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहा हूँ, ये हमसे सिटीजनशिप के कागज मांग रहे हैं, कहाँ से लेके आएंगे मेरे को तो पता नहीं है बिल्कुल भी। तो ये तो वही अभी लॉजिक मिल रहा है कि हम अब पूरी दुनिया का ध्यान जाएगा पाकिस्तान के ऊपर, अपनी माइनॉरिटीज को कैसे ट्रीट कर रहा है, ये क्या लॉजिक है। इट्स द सेम थिंग जो हमारे घर में हमारे फादर हमारी कुटाई करते, मार मार के अधमरा कर देते थे। कोई आके पूछता था कि क्यों मार रहे हो ये इतना, होते ताकि पूरे मोहल्ले को पता चले कि पड़ोसी मेरा जो अपने बच्चों को क्यों मारता है इतना। दैट इज द लॉजिक दे आर गिविंग आउट ऑफ मेनी स्टूपिड लॉजिक। यही था मेरा, इतना ही था मेरे पास, इतना ही टाइम था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू ऑल दिस एंड टेक केयर ऑफ योर डेमोक्रेसी, नोबडी एल्स विल।